fabulous South India. On the way to Rameshwaram. It's a beautiful highway. We are enjoying the trip. It's morning, almost 7:50. And the view is fantastic. We are shortly heading for A to B. It's a famous South Indian chain restaurant where we'll have our breakfast. We'll enjoy some famous idli, sambar, vada, some different items. So I'll connect you soon after some time. You can see the coconut trees spread all over the across South India highways. And this road is connecting to Madurai, Madurai then to Rameshwaram. It's a good journey experience along with my friend Anand Krishnan, who is a pure South Indian. He is a Mallu. He hails from Kerala. So basically he is Keralite. But he is very friendly and joyful person. Enjoys life. Like his name. Anandam. Taking full Anand of life. And we are listening some good music of Malayalam language. Music is very good, touchy. And I'll connect you soon when we'll reach at A to B. तो दोस्तों हम हैं अभी मुर्गन इडली होसूर. We are enjoying मुर्गन इडली होसूर. जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हम इधर आ गए हैं अभी साउथ इंडिया की फेमस चेन ऑफ रेस्टोरेंट ए टू बी आनंद अड्यार भवन. और यहाँ हम साउथ इंडियन फूड एंजॉय करेंगे. अभी सुबह के 8:30 बजे हैं. हम अपने रामेश्वरम ट्रिप पे हैं और अभी मदुरई से कुछ 70 किलोमीटर्स पहले हैं. तो बच्चों को साथ हम हैं सब लोग. तो वी आर टेकिंग आवर ब्रेकफास्ट. सो दिस इज़ द ए टू बी. देखते हैं अंदर क्या है मीनू में. लेट्स सी. सो देखिए ये दोस्तों, ये हमारा मसाला डोसा भी इधर आ गया है और मेरा दोस्त इधर आनंद भी आ गया है. एंड नाउ वील टेक आवर ब्रेकफास्ट. और ये बहुत ही फेमस साउथ इंडियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट है. एंड माय सन इज सुपर एक्साइटेड. ही वांट्स टू टेस्ट सम डिफरेंट फूड ऑफ साउथ इंडिया. ओके तो दोस्तों देखो, एक हरी चटनी है, एक लाल चटनी है, एक वाइट चटनी है. तीन तरह की चटनी के साथ ये डोसा सर्व किया गया है इधर. एंड इट इज़ रियली वेरी टेस्टी. काफ़ी स्वादिष्ट है. और जब भी आप साउथ में आओ, ए टू बी की चेन मिस मत करो. रामेश्वरम ट्रिप में मुर्गन इडली और ए टू बी. नेक्स्ट आपको अपना. सो फ्रेंड्स, हम अभी डिंडीगुल हाईवे पे दोबारा हमने अपना सफ़र शुरू किया है. हमने बहुत ही अच्छा नाश्ता भी किया है काफ़ी. अब हम लेंगे सिर्फ हम सीधा 4 घंटे बाद सीधा रामेश्वरम उतरेंगे. तो रास्ते में ये देखो व्यूज़ हैं, सम ग्रेट व्यूज़ यू पीपल शुड नॉट मिस वाइल ट्रैवलिंग थ्रू अ रोड ट्रिप. और इसमें ये माउंटेंस हैं, बहुत ही ऑसम इसका नज़ारा लग रहा है. सो ब्यूटीफुली designed and crafted by nature. And my son is in between doing this vlogging work. He is helping me out. So देखो कितना अच्छा पहाड़ है. Wow. So ये nature का design है. इससे आपको समझ में आएगा nature कितना खूबसूरत है. और ये road भी natural चीजों से बनाई गई man-made structure. ये भी बहुत ही खूबसूरत. और हम south में हो चुके हैं पूरा. बढ़िया, एक गाना चल रहा है जिया जले, जिसमें मलयालम एक्सेंट का मिक्सिंग है. बहुत ही अच्छा मणि रत्नम का मूवी, जिसका गाना भी बहुत अच्छा है. सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल. सो हम इस ट्रिप को ऐसे एंजॉय करते हुए जा रहे हैं. सो अगेन माय फ्रेंड आनंद, हु इज द ओनर ऑफ दिस कार,
एंड द प्लानर ऑफ दिस ट्रिप. इनफैक्ट ही हैज प्लान्ड दिस ट्रिप. ही इज अ वेरी गुड प्लानर एंड ही हैज ऑल प्लान्ड दिस ट्रिप बिकॉज प्लानिंग अ ट्रिप मींस यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम हेवली. सो वन शुड टेक अ लीड. देखो ये लोकल मार्केट है कुछ डिंडीगुल हाईवे पे. लोकल एरिया है, लोकल मार्केट है. और देखिए दोस्तों ये विंड मिल है एक. इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस ट्रक. कितना बड़ा है. इट्स अ मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय द इन्वेस्टर्स हुएवर इज इन्वेस्टिंग इन दिस विंडमिल प्लांट्स. सो बहुत ही अच्छा है. ये नजारा भी देखो माउंटेन्स. अभी दिल को क्या ठंडक और सुकून का एहसास होता है जब भी ऐसी चीजें हम देखते हैं. क्योंकि जनरली हम जैसे मैं बैंगलोर में जॉब करता हूँ मेरे इस दोस्त के साथ सेम कंपनी में. सो बहुत ही भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रश रहता है. दिल को मतलब कुछ आवाजें सी आती रहती हैं. तो आपको कुछ अगर जैसे फ्री टाइम में कुछ शांति चाहिए हो कुछ एंजॉयमेंट यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग देन गो डाउन साउथ. थोड़ा डाउन साउथ जाइए एक्सप्लोर कीजिए डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट कल्चर डिफरेंट कुजीन. यू विल लाइक इट. डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस ओनली. ये देखिए ऐसा लगता है जैसे जवान होके 16 साल की फीलिंग हो रही हो. भी क्या ओ ओ रणविजय शरारत हो गई है अब डरना भी क्या ओ ओ. एक्टिंग स्किल. या अन्ना कम ऑन. यो यो अन्ना 24 घंटे चौकन्ना. हाँ तो दोस्तों अभी रिसेंटली फ्रेंडशिप डे था 5 अगस्त को. अभी ज्यादा दिन दूर नहीं हुए हैं. मैंने एक शायरी लिखी थी. सो अभी मेरा दोस्त बैठा है तो सभी दोस्तों के लिए आप सभी के दोस्तों के लिए शायरी में अर्ज करता हूँ. आप सभी को पसंद आएगी. खुश नसीबी से मिलते हैं जिंदगी में दोस्त तुम जैसे यारों. खुश नसीबी से मिलते हैं जिंदगी में दोस्त तुम जैसे यारों. तुम हो तो हर मुश्किल आसान सी लगती है. तुम जो हो तो हर मुश्किल आसान सी लगती है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू माई फ्रेंड्स. अभी देखो ये साइड से बिल्कुल नारियल का पेड़ है पूरे रोड पर. भाई हाईवे हो तो ऐसा हो. मैं ये सजेस्ट करूंगा नितिन गडकरी को जी को कि नॉर्थ इंडिया में भी ये नारियल के पेड़ क्यों नहीं लगाए जाएं जिससे हमारे सुंदरता बढ़ेगी. जैसे साउथ में सुशोभित हो रहे हैं पेड़ वृक्ष उसी तरह. और काफी खूबसूरत नजारों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शेर उन सभी लोगों के लिए जो मोहब्बत में हैं या किसी से मोहब्बत कर रहे हैं कर चुके हैं सभी के लिए. हम सब अपनी जिंदगी में एक बार प्यार जरूर करते हैं. तो एक शायरी मैंने पहले लिखी थी ये नजारों को देखते हुए मुझे याद आई है कि हर जर्रे जर्रे में हर जर्रे जर्रे में तुझे पाने की ख्वाहिश है. हर जर्रे जर्रे में तुझे पाने की ख्वाहिश है. तू बता कि तुझको क्या मुझे आजमाने की ख्वाहिश है. अगर ये ख्वाहिशों का ही सफर है तो पूरा जरूर होगा. अगर ये ख्वाहिशों का ही सफर है तो पूरा जरूर होगा. और हकीकत में ना सही ख्वाबों में तो तू मेरा होगा. ख्वाबों में तो तू मेरा होगा. हकीकत में ना सही ख्वाबों में तो तू मेरा होगा. सो दोस्तों इसलिए निराश मत होइए. आज आपको अपनी मोहब्बत नहीं मिली कल मिल सकती है. ट्राई योर बेस्ट. और एक सुनहरे एहसास को अपने अंदर जिंदा रखिए. एंजॉय करते रहिए जिंदगी खुशनुमा बनाए रखिए. दैट्स इट एंजॉय. तो दोस्तों ये हमारा सफर अभी मदुरई तक पहुंच चुके हैं. हम
और ये ब्रिज देख रहे हो आप, ये MGR ब्रिज है, काफी बड़ा ब्रिज है, जो शायद कोई सीजनल नदी है जो यहाँ से बहती होगी उसके लिए है। अभी पानी बहुत कम है, शायद बारिश उतनी ज्यादा नहीं हुई है, एंड दिस इज नॉट द रेनी सीजन पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में रेन्स विल स्टार्ट अराउंड 15th of September एंड अक्टूबर इज द पीक सीजन। सो ये शायद कोई सीजनल नदी है, ये ब्रिज इसलिए बनाया गया है, शायद बहुत बड़ा ब्रिज है। और ये हम मदुरई में सेंट्रल मदुरई एरिया में हैं, और हम अभी डायरेक्टली रामेश्वरम जा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन मदुरई, विल स्टे इन रामेश्वरम फर्स्ट बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड होटल्स। एज यू नो दैट दिस इज द टाइम ऑफ 15th August एंड आज 13th है, और इसलिए लॉन्ग वीकेंड है। ऑल पीपल आर रशिंग टू डाउन साउथ, हूएवर इज स्टेइंग इन अराउंड बेंगलोर एंड अलाइंड एरियाज, सो वो सारे के सारे लोग प्लान कर रहे हैं कि इधर उधर जाएं, कहीं घूम के आएं। तो इसलिए हमको रामेश्वरम में काफी एफर्ट्स लगाने के बाद एक होटल मिला है, काफी अच्छा होटल है। सम नॉन फेलो ऑफ माय कलीग आनंद का दोस्त है एक, उसने बताया था। सो ये देखो मदुरई शहर है, काफी ओल्ड टाइप का सिटी है, नॉट हाईली डेवलप्ड, मतलब ठीक है, यू कैन से इट इज अ जैसा इंडिया का छोटा छोटे से थोड़ा सा बिग शहर होता है वैसा है। ये देखिए अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कहाँ पहुंच रहे हैं हम। हम रिंग रोड से होते हुए जा रहे हैं इधर, और काफी कलरफुल बिल्डिंग्स हैं। ये देखिए, ये साउथ की खासकर एक खूबी है, इट्स अ स्पेशलिटी ऑफ साउथ इंडिया। वहाँ कलर्स बहुत मिलेंगे आपको घरों पे, डिफरेंट शेड्स के, सो दैट शोज दैट लाइफ शुड बी कलरफुल, एंजॉय। और ये देखिए आपको लोकल हाउसेस का व्यू दिखाता हूँ। जो आपको खाली एरिया दिख रहा है, इसमें थोड़े टाइम बाद एक नदी दिखेगी जो अपने फुल स्विंग से बहेगी। ये लोकल मार्केट है, इट्स अ स्मॉल मार्केट। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु शुड फोकस मच ऑन क्लीन लाइनेस, थोड़ा सा क्लीन करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पायस सिटी है। मीनाक्षी इज वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल इन इंडिया, सो आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के थोड़ा ध्यान दें क्लीन लाइनेस पे, थोड़ा सिटी को और ज्यादा बेहतर और क्लीन बनाए, सो दैट इट विल बिकम प्राइड ऑफ इंडिया, हूएवर विजिट इट विल हैव गुड मेमोरीज फॉरएवर। देखिए लंबी जर्नी में कुछ मजेदार दृश्य, व्हाट अ साइट सीइंग, फुल ऑफ फ्लावर्स इन बिटवीन, आंखों को जैसे सुकून मिल गया हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत नजारा है, काफी ध्यान दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काफी अच्छा हाईवे बनाया है, बीच में फ्लावर्स लगाए हैं, देखो 3-4 साल पहले की गई मेहनत आज रंग ला रही है, बहुत ही अच्छा। I'll zoom it. लेफ्ट साइड में पूरा ग्रीन भी है, देते हुए
एक अच्छी चीज जो मैंने नोटिस की है, ये देखिए रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में आपका स्वागत है। वणक्कम रामनाथपुरम, सुस्वागतम। एक ये अच्छी चीज मैंने नोटिस की है साउथ साइड में कि जैसे ही कोई पैच होता है जो कनेक्टिंग टू द अदर साइड, उस समय ये लोग ये लगा देते हैं जिससे स्पीड कंट्रोल में रहे और पीपल कैन सेफली मूव टू देयर डेस्टिनेशन। सो दैट इज द वन गुड थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड व्हिच इज वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी कंसर्न्स। ये देखिए हमसे आगे निकलते हुए इस सफर में कोई आगे जाता है, कोई पीछे रह जाता है, चंद घंटों का फासला ही है जाना सबको रामेश्वरम। जय श्री राम। समझता हूँ दोस्तों ये जो गाना है वो परफेक्ट है किसी भी सफर के लिए, बहुत ही सुकून देता है गाना जब भी मैड मूवी का। जब भी आप सफर पे जाएं, रोड ट्रिप प्लान करें, मेक श्योर टू प्ले सच काइंड ऑफ सॉन्ग, आपको अच्छा लगेगा, इट विल मेक यू रिफ्रेश। जाना कहाँ हमको पता, हमको पता है हमको कहाँ जाना है। चलने लगे हैं ये रास्ते मंजिल से बेहतर, लगने लगे हैं ये रास्ते। कई सारे फ्लैग्स हैं ऑल ओवर दिस प्लेस, आई थिंक दिस इज द रूलिंग पार्टी रूल्ड बाय स्टालिन, उसका फ्लैग है। सो ऑल ओवर इट इज स्प्रेड, जस्ट आप लोगों को एक व्यू दिखाने के लिए। एंड यहाँ से जो हम पास में हैं, इट इज वेरी क्लोज टू पंबन ब्रिज, हम पंबन ब्रिज पहुंचने वाले हैं। यस नाउ आनंद विल स्पीक समथिंग। या आनंद, हाउ मच इज पंबन ब्रिज? We are almost going to reach another 10 kilometers in Pamban Bridge. Okay. Then next our destination will be Rameshwaram. Okay. From there check in the hotel, then we'll go to Dhanushkudi. Yeah. The place where we want to go, the ultimate place. Yes, yes. It's cool. So how is your driving experience over this Bengaluru to? It's nice because we got the break after 5 or 6 hours yesterday. Yeah. So we had sleep, slept there, then morning we started around 5:30. Okay. So it's a nice experience. Yeah, yeah, it's a nice experience. So Papa, give me that. You can see this road. This road will well connected to Pamban Bridge, one of the finest bridge. Then we'll reach Rameshwaram around 44 minutes. It's hardly 44 minutes. You can see here. It's 44 minutes and joining to this road na almost 1.5 kilometers only there's a sea. There's 7 minute congestion in 5 kilometers. You are still on the best sea ke bilkul pass mein hai. Aur it's a single road to while you are connecting from Ramnathpuram se aapko thoda carefully chalana hai gaadi.
कार जब भी से आप रोड ट्रिप प्लान करें तो रामनाथपुरम से ये क्या फोर लेन की जगह ये सिंगल लेन हो जाता है. सो यू हैव टू ड्राइव कॉशियसली एज पीपल फ्रॉम ऑल बोथ साइड्स आर कमिंग. सो थोड़ा ध्यान से चलाएं, सेफर साइड से चलाएं, अच्छे से चलाएं, भगवान राम के दर्शन करें, एंजॉय करें. ये देखो आपको लग रहा है कि सीशोर जैसा कुछ एरिया, हाँ बिल्कुल तो आसपास में ही है. नाइस ना. तो देखिए दोस्तों कलर ब्लू कलर या थोड़ा सा स्लाइट ग्रीन यू कैन से. बहुत ही अच्छा समंदर का ये नजारा दिख रहा है आपको और हमारे राइट साइड बिल्कुल समंदर है. सो हम पंबन ब्रिज पे बस पहुंचने वाले हैं और दोनों साइड अब समंदर रहेगा. खूबसूरती की बात ये रहेगी कि बोथ साइड्स आर सी सी वाटर. सो दिस रोड विल बी इन द मिडिल. या व्हाट आनंद एग्जैक्टली व्हाट यू आर टेलिंग. Where we are going, Dhanushkodi, na, the one side will be Bay of Bengal and another one will be the Arabian Sea. Okay. And gotcha. There is a place point. The point is this, where both will be merged together. Okay. So that we can directly see. Oh, that may be an that may be a scene of astonishment. Yeah, yeah, I have never seen such thing. Yes, beautiful scene. Yes. All the way on the right side. Wow, the color. It's so awesome. So Ranvijay, how do you like the experience? Ranvijay, like you like it? Yeah, Ananya, how do you like the experience? Good. So it's a beautiful view. Yes. Yes. See the beauty of this sea is immense. Clean water. Yes. And now this road will connect both. The road will go in the middle and both sides will be sea water. You can see here. See. ये देखो ऐसा नजारा अभी देखने को मिलेगा. ये देखो आप बहुत ही खूबसूरत है. See the color difference. It's a little greenish that is. Yes. See. Both will be color different. हाँ देखो नैना. Black and green color. That is beauty. See on both sides. Wow, it's immense. Real beauty. See Pamban Bridge. Now yeah. Pamban Bridge has started. Yes, Pamban Bridge. See, look at the shapes of all the things here. Now the Pamban Bridge has started. So. Trash in the ocean, otherwise the fish will die. Exactly. So we should not do it. See, the Pamban Bridge starts from here. Yeah. This Pamban Pool. तो देखो दर्शकों ये Pamban Pool है. ये अभी रेलवे का शायद कुछ काम चल रहा है इसलिए ये रेलवे का जो ट्रैक है वो अभी क्लोज है. तो जो भी ट्रेन्स हैं वो अभी हाल फिलहाल में रामनाथपुरम में ही रुक जाती हैं. वहां से आपको रोड से ही आना पड़ता है. तो ये हमारा रोड साइड का ब्रिज है. दैट इज अ रेलवे ब्रिज. सो अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि बहुत ज्यादा पुराना हो चुका था. अंग्रेजों के जमाने का रेलवे ट्रैक था. सो दे आर आई थिंक दे आर रिनोवेटिंग इट. सो इसमें कुछ समय लगेगा. आई थिंक सम 4-5 months स्टिल इट विल टेक टाइम. यस इट विल टेक टाइम. देन उसके बाद में जो आपने चेन्नई एक्सप्रेस में देखा था जो ट्रेन जाती है वो इनफैक्ट इसी रूट से जाती है ये जो है रेलवे ट्रैक. सो अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन है आप लोगों के पास. इफ यू आर प्लानिंग टू कम यू हैव टू कम अप टू रामनाथपुरम थ्रू ट्रेन देन थ्रू रोड ओनली यू हैव टू कम. अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन कम थ्रू बाय रोड ओनली. सो ये खूबसूरती है. एक तरफ आपके लिए रेलवे का पुल है एक तरफ रोड का पुल है. बहुत ही बेहतरीन. इट्स ऑसम. सो ये मैडम देखो अभी बीच रोड पे गाड़ी का गेट खोलते हुए. सो हाँ वी कैन पार्क द व्हीकल. यस सो वी विल आल्सो ट्राई टू शो अ क्लोजर व्यू टू ऑल ऑफ यू वंस वी विल फाइंड सम प्लेस बिकॉज इट इज अ वन वे. So it's only a single way.
So vehicles are coming from both ways, so it is very difficult for us to stop our vehicle in between of the road and it's not feasible also. देखेंगे अगर कुछ हमको इजी मिला तो हम देखेंगे. पुलिस खड़ा नहीं होने दे रही. पुलिस इज टेलिंग दैट नॉट टू स्टॉप योर व्हीकल अलोंग साइड दिस पुल ब्रिज. या दे आर गिविंग द सिग्नल्स नॉट टू पार्क द व्हीकल अलोंग साइड द पुल. See the shapes in his arms. Wow. So my friends, you can see the ships. Lot of these boats. I think these ships are of fishermen who are catching fish. They are boats actually, not ships. These are boats. There's a large boat there, that side. All are fishermen only. Different, na? See, look at this. Different. Very good. So little rush is there. Some red signal is being displayed in our map. That means that there will be traffic congestion. So we will be unable to stop our vehicle here. We have to directly go to Rameshwaram. As you can see, these police persons are handling the situation very cautiously, and they are not allowing even a single vehicle to stand so that the road should not get blocked. तो बीच बीच में हिंदी इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हिंदी के दर्शक हैं उनको हिंदी भी समझ में आ जाए, इंग्लिश वाले भी कंफर्टेबल रहें, बिकॉज इंग्लिश इज अ फार अप्रोचेबल लैंग्वेज, सो मोर पीपल कैन अंडरस्टैंड. सो यू कैन टेक एन इनसाइट. ये देखिए थोड़ा सा ट्रैफिक जाम जैसा लगता होगा. हम ही निकल सकते हैं ना? ठीक है ना. तो दोस्तों ये देखो, ये पम्बन ब्रिज है. ऑलमोस्ट यहाँ एंड हो रहा है पम्बन ब्रिज. ये पुलिस की व्हीकल है, ये सारी व्हीकल्स को हटा रही है इधर से क्योंकि रोड कंजेस्टेड हो रहा है. सो हम भी यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक पाएंगे. थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिली हमको तो हम यहाँ रुक गए. ये मेरा दोस्त इधर खड़ा है, ये देखिए यहाँ हमारी गाड़ी टोयोटा हाई क्रॉस. वी हैव स्टॉप हियर टू सी साइट सीइंग. ये देखो बच्चे लोग भी बैठे हैं इधर. सो आई थिंक वी हैव टू स्टॉप. तो दोस्त देखिए दोस्तों, अब हमने अपनी गाड़ी पम्बन ब्रिज से थोड़ा स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है क्योंकि क्या प्रॉब्लम है कि पुलिस इज नॉट अलाउिंग ड्यू टू हैवी रश. साइड में गाड़ियां अलाउ नहीं कर रही है पुलिस क्योंकि ये थोड़ा सा रश भी है. इट्स नॉट गुड ऑल्सो. बाहर तो ऑलमोस्ट टेम्परेचर इज सोरिंग लाइक 37 to 38. इसमें फील हो रहा है, इसमें दिख रहा है 33, बट इट वॉज रिजेम्बलिंग लाइक 37-38. काफी गर्म टेम्परेचर था और मैंने तो मतलब बेंगलोर में भी शायद इतना हीट आई हैव नॉट सीन. दिस सीजन ऑल्सो आई हैव नॉट सीन. एज इट इज अ कोस्टल एरिया, तो कोस्टल एरिया की वजह से इसमें बहुत ज्यादा हीट का इफेक्ट है. सो पुलिस इज डूइंग देयर जॉब वेरी गुड. पुलिस शुड नॉट अलाउ एट ऑल. थोड़ी देर के लिए हमको टाइम मिला, हमने उस दौरान क्या किया, हमने उस टाइम में हमने सेल्फी खींच ली सो दैट हमारी मेमोरीज में रहे कि हाँ भाई हमारा पम्बन ब्रिज पे एक फोटो था. ये रहा पम्बन ब्रिज. यस रणविजय, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पम्बन ब्रिज का? अच्छा एक्सपीरियंस रहा. पंचायत ओके. सो ये देखिए आपको बोर्ड दिख रहा है पम्बन पंचायत, मतलब ये शायद कुछ गांव का नाम है जहाँ की पंचायत है. तो ये पंचायत मतलब ये एक छोटा सा एक तालुका टाइप का है पम्बन एरिया. यहाँ से अब ज्यादा दूर नहीं है बट ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा दिख रहा है. वो एक लाइन ये नमस्कोटी पॉइंट पे आ चुके हैं. ये रामेश्वर का हमारा पहला पॉइंट.
पॉइंट दिख रहा है आपको, और काफ़ी रश है आज क्योंकि छुट्टी है, लॉन्ग वीकेंड है। और इधर दिखाइए, इधर ये देखिए, उधर से आप देखिए आराम से, तो स्टार्ट यहीं से हो जाता है, लोग खड़े हैं उधर से, अंदर से ही समंदर के अंदर से आराम से तो स्टार्ट होता है, जो कि श्रीलंका जस्ट इधर से 18 किलोमीटर है, सिर्फ 18 किलोमीटर श्रीलंका हो सकते हैं। हाई लेवल की थी, सो इसी बनाया वो आज भी बरकरार है, समंदर के अंदर है, दिखता नहीं है क्योंकि सी लेवल तक बढ़ चुका है, यहाँ से सी लेवल बढ़ गया है, इसलिए समंदर के अंदर है राम सेतु, वॉट एवर लेफ्ट आउट जो भी है राम सेतु का स्ट्रक्चर वो समंदर के अंदर है। सो इट इज़ द ब्यूटी दैट आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑल्सो इट इज स्टिल प्रिजर्व। This is the end point of India also we can say as far as land is concerned, territorial border तो आगे तक रहता है, तो यहाँ तक आप जा सकते हैं और इंडिया का एंड पॉइंट तक आपको मस्ट विजिट करना चाहिए। आगे हम राम दरबार जाएंगे टेम्पल में, रामेश्वरम मंदिर में। सो बस मैं आप सब लोगों से अब विदा लेता हूँ और यही बोलूँगा जय श्री राम। बोलो महादेव शंभो की जय। तो दोस्तों चलो, हर हर महादेव शंभो, जय भोलेनाथ महादेव शंभो की जय हो। तो दोस्तों अभी रामेश्वरम के हमने दर्शन कर लिए हैं, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है इधर विराजमान। आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे एक बहुत ही पवित्र क्षेत्र में आप प्रवेश कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये धाम, चार धामों में से एक धाम जो कि दक्षिण में विराजमान है, ये वेस्ट गेट है। सुबह हम इसमें इस पर्टिकुलर लिंगम दर्शन के लिए आएंगे, आज काफ़ी भीड़ थी, जनरल दर्शन ही किए थे हमने, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जय महादेव शंभो, जय जय महादेव शंभो, जय महादेव। रणविजय बोलो महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो महादेवाय, ओम नमः शिवाय। चलो ठीक। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम रामेश्वरम से श्री हनुमान जी का पंचमुखी मंदिर पे दर्शन करके, जहाँ तैरने वाले पत्थर हैं जो राम सेतु में यूज़ किए गए थे, वहाँ से दर्शन करके हम अभी पम्मन ब्रिज पर हैं। ये देखिए पम्मन ब्रिज, ये जो ब्रिज है ये अभी रोड के लिए ही ओपन है, लौट रहे हैं हम इस समय, आपको यहाँ का ब्यूटीफुल साइट सीन कराता हूँ। बहुत ही शानदार ये हमारी गाड़ी है जिससे कि हम सफ़र कर रहे हैं, ये देखिए इट इज़ अ परफेक्ट लोकेशन। अभी मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, हवा काफ़ी ठंडी है तो ठीक लग रहा है, थोड़ा ह्यूमिडिटी है बट इट्स ओके मैनेजेबल। ये देखिए आप बैक साइड दिखाता हूँ, ये पूरा समंदर है, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू, वेरी ब्यूटीफुल। चलो दोस्तों कैचिंग, तो दोस्तों हम अभी लौट रहे हैं और ये पम्मन ब्रिज का अभी जस्ट एंड पॉइंट आने वाला है, जहाँ से आप देख सकते हैं एक साइड समंदर अलग टाइप का है, ये दूसरी साइड अलग है क्योंकि ये जस्ट एक स्ट्रेच है लैंड का, जैसे ये दिख रहा है देखिए दूसरी साइड अलग है, इधर साइड अलग है। ये देखिए अभी थोड़ा दोस्तों हम लोग पम्मन ब्रिज पे थोड़ा जैम में फंस गए थे, और हमने ही एक गाड़ी वाले को बोला कि भाई जा तू, जाम मत लगा। तो अब देखो इधर से ये आपका अरेबियन सी काफी खूबसूरत दिख रहा है, और इधर अपना बे ऑफ बंगाल मिल रहा है, समंदर का तो अलग अलग रंग आपको दिख रहा होगा अगर दिख सकता है तो इधर से। सो ये एक तरह का संगम है दो समंदर का, व्हेन टू सीज कनेक्ट विद ईच अदर,
से काफी खूबसूरत नजारा है इधर. इट्स अ गुड साइट सीइंग व्यू. बट आप जब भी पम्बन ब्रिज पर आए अपनी गाड़ी को ध्यान से पार्क करें और ज्यादा देर तक पार्क ना करें. कोशिश करें, कोशिश करें कि जल्दी से आप फोटो लेके और निकल जाएं, जिससे अदर टूरिस्ट को ये प्रॉब्लम ना हो. ये अभी मेरा दोस्त आनंद ड्राइव कर रहा है बहुत कूल टाइप से. और हम इधर हमारा रामेश्वरम ट्रिप लगभग एंड हो गया है और हम अभी वी आर मूविंग अहेड टू मदुरई. सो मदुरई में आज हमारा प्लान है विल गो टू मीनाक्षी मदुरई टेंपल, जो मेन मंदिर है जब हम हिस्ट्री में भी पढ़ते आए हैं. उसके साथ हम कोशिश करेंगे एक पहले से उधर देखने का अगर मिल जाएगा टाइम तो. सो आई विल कनेक्ट यू इन मदुरई. थैंक यू फ्रेंड्स, बाय. जय हो महामीनाक्षी मातेश्वरी, आदि शक्ति की जय हो परमेश्वरी, जय हो परमेश्वरी. देखो लोकल मार्केट दोस्तों, मंदिर के सामने खूबसूरत दरबार है. हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से दर्शन हो जाए, देखते हैं. जय मातेश्वरी भवानी. हेलो, इधर से ना. तो फ्रेंड्स हमको अभी मीनाक्षी देवी के दर्शन हो गए हैं. आपको दिखाता हूँ जाते हुए. ये जो है मेन शिखर है, ये शिखर के अंदर से दर्शन होते हैं और अभी हम जा रहे हैं वापस. बहुत अच्छे दर्शन रहे हमको और मैंने ये मीनाक्षी देवी की एक फ़ोटो भी खरीदी है, फ़ोटो फ्रेम, जिससे माता जी की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहें. ये देखिए एक मार्केट, लोकल मार्केट, इट्स अ वेरी गुड मार्केट. मदुरई का स्ट्रीट मार्केट है मंदिर के जस्ट सामने, ईस्ट गेट के सामने. तो ऑलमोस्ट आपको 2 से 3 घंटे चाहिए मंदिर में दर्शन के लिए, 2 to 3 hours. यस ठीक है, बाय. मैं आ गया, आ गया, आ गया, बाय. तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हो आप, हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और मीनाक्षी टेंपल के जस्ट सामने वाली स्ट्रीट है ये, लोकल मार्केट होते हुए. और काफ़ी कंजेस्टेड और काफ़ी अच्छा मार्केट है. थोड़ा अंधेरा है, देखो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा अभी लेकिन इट्स अ बैड लक कि मैंने जब कैमरा ऑन किया तो थोड़ा अंधेरा आ गया. अभी तक वैसे बहुत काफ़ी उजाला था. मार्केट काफ़ी अच्छा है, आप लोग इधर से अपना शॉपिंग कर सकते हैं. पता नहीं कोई ले गया. अन्ना भी हिंदी बोल के दिखाएंगे हमारे साथ, हमारा केरल का अन्ना है. लोकल मगर से ऑटो से जा रहे हैं, इसलिए पकड़ते. कैसा लग रहा है आपका एक्सपीरियंस? कैसा रहा? इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस. हाँ, वी आर ऑल्सो थैंकफुल के अन्ना की वजह से हमको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ. ये अन्ना जो है इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सब बोल सकता है. तो अभी जैसे कि हम तमिलनाडु में हैं तो पूरा कन्वर्सेशन इसी ने किया, तो काफ़ी अच्छा रहा.
और आपको ज्यादा अच्छा क्या लगा मदुरई में? मीनाक्षी टेम्पल दर्शन मिले ना। यहाँ का कुछ खाने पीने का स्पेशलिटी है क्या? अच्छा यहाँ का जिगर ठंडा। ओके ओके सो इससे पहले आपने जिगर ठंडा कभी पिया है क्या? पहली बार है। अच्छा अच्छा, मेरा भी पहली बार ही था, लेकिन इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। तो आप जब भी मीनाक्षी आओ मंदिर मदुरई, तो जिगर ठंडा जरूर पियो और अपने दिमाग को और शरीर को ठंडा करो। जय माता दी, जय भोलेनाथ। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं करूर टेक्सटाइल पार्क। हम यहाँ एक जगह खाने के लिए रुके हैं, सुबह 8 बजे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हम इधर ही करेंगे। ये कोई टेक्सटाइल पार्क है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, वेल मेंटेन प्रॉपर्टी है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की, काफ़ी बड़ी सोसाइटी दिख रही है। इधर हम खाना खाएंगे, मतलब विल टेक आवर ब्रेकफास्ट हेयर ओनली, इट्स ए गुड प्रॉपर्टी, सुमति वेज रेस्टोरेंट। अब जब आओ रास्ते में तो इधर खा सकते हो, थोड़ा सुबह सुबह की धूप भी अच्छी लग रही है। अगर देखिए प्योर वेज रेस्टोरेंट है, इट्स गुड। और यह है हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट, देखिए मसाला डोसा, एक चटनी एंड सांभर, इतना बड़ा। सो ये वाला कौन सा? प्लेन, हाँ दिस इज अ प्लेन डोसा, प्लेन डोसा, ये मसाला डोसा है। Jumping jack? Yes. I can go anywhere. This is bigger than This is bigger than big jumbo jack. Yeah. I will also. Honey. Honey. Yeah. Come here, दौड़ना नहीं है, जंप करना, जंप करो, जंप, यू हैव टू जंप, यू पीपल हैव टू जंप, जंप करना। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम सुमति वेज होटल में हैं। ये देखो कितना अच्छा गार्डन बना रखा है इन्होंने रोड पे ही। आप जब मदुरई से लौटे तो डिंडीगल से थोड़ा सा आगे है ये, काफी अच्छा मैप में लगा सकते हैं, सुमति वेज टेक्सटाइल्स पार्क के पास में है। बच्चे देखो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं बच्चे लोग। तो ये अच्छा ऑन द वे आपके लिए, बच्चों के लिए एक पार्क भी है छोटा सा, जहाँ बच्चे खेल सकते हैं। और मेरा फ्रेंड भी घूम रहा है, वी आर जस्ट अच्छा। इधर आपको दिखाता हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसका गेट है, ये
ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का गेट है, करूर टेक्सटाइल पार्क, इसको बोलते हैं करूर टेक्सटाइल पार्क। यहाँ बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनीज हैं जिनके ऑफिसेज हैं, प्रमाइसेस हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा एकदम एटमॉस्फेयर। और जस्ट ये हाईवे से जल बिल्कुल पास में ही है, तो आपको इधर अगर आपको नाश्ता करना हो, खाना खाना हो, तो आप इधर स्टे कर सकते हैं, आ सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, आई विल रिकमेंड इट। 515 सुमति वेज बहुत अच्छा है, सुमति वेज इज़ एक्सलेंट। उसका फूड भी बहुत अच्छा था, डोसा, इडली डोसा, सांभर, सब अच्छा था। इट इज़ रियली नाइस। Kids are playing, they are enjoying as well. My friend is taking a walk on this lush green garden. It's very good, actually it's very good to walk on bare feet. अब नंगे पैर अगर चलेंगे इस तरह से तो आपको काफ़ी सूदिंग लगेगा, क्योंकि ये जो घास है बहुत छोटी और महीन, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन ग्रास, ये काफ़ी अच्छी होती है घूमने के हिसाब से। बस इसके बाद हम मुर्गन इडली वाले के यहाँ रुकेंगे और उसके बाद सीधा बेंगलोर। अभी बेंगलोर यहाँ से लगभग, बेंगलोर इधर से लगभग 300 किलोमीटर दूर है इधर से। चलो विल कैच अप। So friends, as you are seeing, हमारा destination मुर्गन इडली, world famous in Tamil Nadu, because it is not spreaded across other states, इसलिए तमिलनाडु का ये famous food point है और काफी famous है। आज हम इसका meals try करेंगे और हम इधर पहुंच चुके हैं। अब बेंगलोर इधर से ज्यादा दूर नहीं है, 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर। Meanwhile we'll take food from this fabulous chain of South Indian cuisine. बहुत अच्छा खाना मिलता है इधर। हाँ तो बस अभी हम यहाँ से उतरेंगे और मैं आपको अभी आउटर व्यू दिखाऊंगा मुर्गन इडली का। उससे पहले आज क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है तो सभी दोस्तों को जय हिंद और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सो देखते हैं आज इंडिपेंडेंस डे पे क्या स्पेशल बनाया मुर्गन इडली ने। तो ये देखिए हम इधर आ गए हैं। काफ़ी लंबा सफ़र रहा है हमारा, सुबह 6 बजे से, 6:15 बजे से निकले हैं हम, 6:15 मॉर्निंग में वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम मदुरई। और ये देखो ये मुर्गन इडली का चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है, ये इधर कृष्णागिरी में है अभी। देखते हैं कैसा खाना रहता है, फिर मैं आपको बताता हूँ, अपडेट देता हूँ, देन टेक फूड फ्रॉम हियर।
बाद अपन आ गए हैं ना वापस, 2 घंटे लगे वहां से बैंगलोर का नाइस रोड आ गया है। काफी डिफरेंस है लेकिन होसूर और बैंगलोर में पूरा ही चेंज लग रहा है, जस्ट 15 मिनट्स में पूरा चेंज लग रहा है, एटमोसफियर सब कुछ ही चेंज हो गया ऐसा लग रहा है। 15 किलोमीटर में इतना, 15-20 किलोमीटर में इतना अंतर आ गया। हाँ मौसम भी चेंज चेंज लग रहा है एकदम से। एक्चुअली तमिलनाडु इधर से कनेक्टेड ही है ना मौसम से, लेकिन बहुत अंतर है। स्टार्ट्स बहुत ही अच्छी बनाई है, मल्टीपल वेज हैं अलग अलग जगह के लोकेशंस के लिए जाने के लिए। ये देखिए अब ये रास्ता जाएगा सीधा राजेश्वरी नगर, सिर्फ 10 किलोमीटर और बचा है। ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है इधर से, पूरा लश ग्रीन। बेस्ट रोड बोल सकते हैं इसको, नाइस रोड है। ड्यू टू दिस रोड ओनली सो मच ऑफ डेवलपमेंट हैज हैपेंड, काफी आसान हो गया है इंटीरियर एरिया में भी जाना, जो कि अब शायद इंटीरियर नहीं रहेगा फ्यूचर में भी। अभी से ही बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है इधर से। बनरघट्टा नेशनल पार्क भी बिल्कुल पास में है,
जो प्लांटेशन किया है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अफ्रीकन ओके पाम ट्री, पाम ट्री, हाँ हाँ पाम ट्री, बट दिस विल बी दिस स्मॉल साइज ओनली, जस्ट पुल इट एंड प्लग इट, कीप इट देयर लाइक दैट। ओके ओके, यूनिक कंस्ट्रक्शन अपार्ट में ना, दे विल कीप इट लाइक दिस। ओके ओके, पाथवे में, सो नॉट ट्रिकेट टू पुट एक्चुअली। ओके, सिंपली जस्ट टेक इट आउट समवेयर एंड पुट इट देयर, बट द रूट्स विल नॉट गेट डैमेज्ड। नो नो इश्यूज। ओके, सी द लश ग्रीन फॉरेस्ट, व्हाट अ ब्यूटी। सामने टाटा का प्रोजेक्ट है, टाटा का है ना, टाटा प्रमोट, दैट्स अ वेरी हाइटेड प्रोजेक्ट, थोड़ा सा पहाड़ी के ऊपर है, काफी अच्छा है, इट्स वेरी नाइस, ऑसम ऑसम रोड, वन ऑफ द बेस्ट रोड इन इंडिया आई कैन से। Whenever you people come to Bangalore, just come on this road and have a drive here. You'll feel the magic. Should be careful, don't speed on top speed. Yeah, we should be very careful because this 80 is the speed. 80 is the speed, which is the prescribed speed limit of government also on this road. So better to drive safely. Because only accidents are happening because of over speed. Yeah, yeah. Speeding is not required at all. So I think with this we should end our this video shoot. What we have figured out from Bangalore starting point to Rameshwaram, then to Madurai, or now back to Bangalore. So I hope आप सभी लोगों को काफी अच्छा सफर लगा होगा हमारा. You people please like, subscribe the channel so that we'll keep you posted more. It's motivation for next, and it is a motivation for our next video. What do you say, Anna? Super, super experience. Overall, it's very good experience. Very good experience. Yeah, we really enjoyed the trip. Yeah, super fantastic trip. Bangalore to Rameshwaram, then to Madurai, then back to Bangalore. And to backseat also. Feedback from backseat. Yeah. I like it that. What is the feedback from backside about this road trip? Radvijay, do you like this road trip? Yes! What? I like my food also. You like food also? Yes. Good South Indian food? Yes. Okay, that's great. Chili paneer is South Indian food, I like. Okay, okay. Chili paneer is really South Indian food. Okay, because it is cooked differently. Paneer 65. He's a fond of chili paneer. Whenever he goes northeast, west, south, he will definitely order chili paneer only. Okay. ठीक है, चलो guys, see you soon. फिर मिलेंगे next update में. With this, we are ending the trip updates. I hope आप सभी को हमारा trip का जो भी updates है, feedback है, जो मैंने कोशिश की थी, वो आपको पसंद आया होगा. Thank you very much. Dr. Balaganga Dhanatha Mahaswamiji Road.